उन्होंने तुरंत स्टूडेंट को फोन भी लगाया और नंबर मीडिया विजिट वाले में सेफ है। उन्होंने एक बार आदर्श से बात कराई हमारी रात में, तो आदर्श ने कहा कि मम्मी ऐसा है मैं व्यवहारी में हूँ और अंकल लोग को निकलना है यूपी, आप ऐसा करिए कि पापा को भेज दीजिए। दीदी ने मेरे कहा बेटा अभी पापा नहीं आए, कितने टाइम आएंगे, हम उतने टाइम भेज देंगे। फिर दिया गया है रात के लगभग 11:30 बजे, तो हाँ 11:30 बजे मेरे यहाँ है नहीं, तो हमने उनको फोन भी किया स्टूडेंट वाले को, तो उन्होंने फोन तो नहीं, अरे यूपी के चैनल में चल रहा है। हाँ यूपी के चैनल में, तो मैं बोल वो जीजा को तुरंत देखे, मैंने कहा चलिए आप सबके पास आप वहाँ और क्या बोले एस टी एफ टीम मेरे यहाँ इसलिए आई थी कि हमारे बहनोई विकास दुबे ने 2 तारीख को 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। ठीक, मैं 15 साल से कानपुर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेना देना नहीं, मैं 15 साल पहले वहाँ से सब छोड़ के चला आया था। उसका कारण ये है कि 2 मुकदमों में मैं फर्जी फंस चुका था इनके पीछे, तो मैं वहाँ से सब कुछ अपना छोड़ के चला आया। अपना बुढ़ार में मैं काम धंधा करने लगा। कल मैं सवेरे अपनी गाड़ी लोड कराने भर ही गया था और इत्तेफाक से मेरा मोबाइल छूट गया था दुकान में। मेरा लड़का दुकान में बैठा था, उसको यूपी की एसटीएफ की टीम आई और उसको पकड़ के ले गई। मैं रात में 12:30 बजे जब लौटा हूँ तो मेरी पत्नी ने मुझको बताया कि आदर्श को पुलिस ले गई है, आदर्श को पुलिस ले गई। तो मैंने कहा फ़ोन लगा के उनसे बताओ कि उसके बाप घर आ गए हैं। फ़ोन लगाती रही मेरी पत्नी, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आज भी वो पूरे सवेरे से कोशिश में लगी रही कि किसी तरह बात हो जाए, उनको घर बुला के सामने बात करा दी जाए, किसी ने फ़ोन नहीं उठाई। जब मैंने दोपहर में खाना खा रहा था घर बैठे, तो मैंने न्यूज़ चैनल में देखा कि उसमें दिखा रहा था कि विकास दुबे को लुकाने में छुपाने में राजू का हाथ, तो मैं तुरंत दहशत में आ गया कि ऐसा ना हो पुलिस मुझको भी फंसा दे। मैं तुरंत एसपी साहब के यहाँ भाग के आया और अपना बयान दिया कि हमको जिसको जो पूछना है, जो भी हमसे मदद हो सकती है हम करेंगे। कारण ये है कि मेरा 15 साल से उससे कोई भी रिश्ता कोई नाता नहीं, मेरा मोबाइल पुलिस के पास है, वो कॉल डिटेल अब से नहीं 10 साल पुरानी पता कर ले कि मैंने विकास दुबे से बात कब की है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ नाजायज ना हो, मुझे फर्जी मुकदमे में ना फंसाया जाए, ना मेरी हत्या की जाए। कब शादी हुई थी आपकी? 20 शादी लव मैरिज हुई थी, शादी कहाँ हुई थी, मैं लाला हूँ वो पंडित है, शादी कहाँ होगी, 20-22 साल हो गए। नहीं नहीं, तब संबंध रहा, 2 मुकदमों में मैं फर्जी फंसा हूँ, संबंध था 15 साल से छोड़ दिया मैंने, जब मुकदमे छूट गए तब से मैंने हाथ जोड़ लिया कि बस अब आप समझो हम समझे। मैं चला आया, इस बात की बुराई मानता हूँ, उसने मेरे कानपुर में मकान है मेरा जिसमें कब्जा कर लिया था, फिर उसमें वो गलत काम होने लगा, उल्टे सीधे धंधे, तो हमने उसमें काफ़ी इतराज किया, उसको जो रहता था उसको हटवाया, आज वो मकान हमारे पास है। अच्छा, इस बीच आपका कभी अपनी बहन से बातचीत हुई? कहीं कुछ नहीं होती, आप फोन डिटेल से पता कर लें, फोन है आपके एस टी एफ यूपी के पास है, वो जानकारी कर सकती है कि मेरी बात उनसे कब होती है। और इस बीच अभी हाल में अभी आज के बाद आपको एस टी एफ का फोन आया आपके पास? कोई फोन नहीं आया मेरी पत्नी का, मेरे पास फोन ही नहीं, तो फोन कहाँ से आएगा भैया? पत्नी से कोई संपर्क किया? कोई नहीं संपर्क किया, बराबर वो फोन लगाती रही, किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। मेरे लड़के का भी पता नहीं उसको कहाँ ले गए। आपने पुलिस अधीक्षक से मिले, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि अगर आप गलत नहीं तो आपका साथ दिया जाएगा। मैं खुद चल के आया हूँ यहाँ, मुझे कोई पकड़ा थोड़ी गया, मैं खुद चल के आया हूँ अपनी पत्नी के साथ। क्या नाम आपका? राजू ज्ञानेन्द्र प्रकाश निगम उर्फ राजू। कानपुर के एक वांछित अपराधी विकास दुबे के रिश्तेदार, जो कि उनके रिश्ते से साले लगते हैं, वो बुढ़ार क्षेत्र में रहते हैं राजू निगम, उन्हें तलाशने के लिए यूपी एसटीएफ टीम आई थी। और आज जब राजू निगम और उनकी पत्नी ने यहाँ शहडोल पुलिस से संपर्क किया, जिसमें उन्होंने यह अपेक्षा की कि जो भी यूपी एसटीएफ या यूपी पुलिस की सहयोग की अपेक्षा हो उसके लिए करने के लिए तैयार हैं, और पिछले 15 वर्षों से उसका विकास दुबे से कोई भी संपर्क नहीं हुआ है, इस तरह की सूचना उन्होंने देने का चाहा है। इस पर शहडोल पुलिस के द्वारा संबंधित वरिष्ठ स्तर पर इस सूचना को कम्युनिकेट कर दिया गया है और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है कि वे जो भी उनका सहयोगात्मक रवैया उसे बनाकर रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। मैंने बताया है वो राजू जी ने कि उनको जाना खतरा है,
पुलिस से संबंध क्या कार्रवाई कर रही है? नहीं, इस तरह से जान का खतरा ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसको वैधानिक तरीके से पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है और यूपीएसटीएफ ने जो कल ऑपरेट किया हमारे जिले में तो उसके संबंध में सूचना उन्होंने स्थानीय थाने को दी है। असुरक्षा जैसा कोई मामला नहीं, उन्होंने अपने पूरे परिदृश्य को संज्ञान में ला दिया है कि उनका किस तरह से वहां के जो कुख्यात वांछित अपराधी है उनसे कनेक्शन नहीं है, इस संबंध में वरिष्ठ स्तर पर कम्युनिकेट करा दिया गया है और यूपी पुलिस को सहयोग देने की जो उनकी मंशा है उसे भी हमने कम्युनिकेट करा दिया, कहीं भी किसी प्रकार कोई असुरक्षा की बात नहीं है।